में हम लोग डे थ्री केमिकल बॉन्डिंग में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को पहले सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 4.19। ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि आपको अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल लाइक द लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फिर SO2, फिर उसके बाद CCCl F3। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट कंपाउंड अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, आपको कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी हम लोगों को नाइट्रोजन नॉन मेटल ही है सारा का सारा, तो इसमें सेम नॉन मेटल के बीच अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हुआ, तो ये सबसे लेस आयनिक करेक्टर इसमें होता है। नेक्स्ट है उसके बाद पोलर में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अगर हम लोग चेक करें तो एक चीज़ और भी आपको याद रखना होगा कि आयनिक करेक्टर कैसे इंक्रीज होता है। आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है कि दो एटम के बीच, जिस दो एटम के बीच या जिस दो एटम सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के बीच हमारा कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसके बीच क्या होगा आपको, उसके बीच हम लोगों को क्या होगा, आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम एलिमेंट था तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत जीरो, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सल्फर और ऑक्सीजन में चेक करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का बहुत ही लेस डिफरेंस था। फिर उसके बाद क्लोरीन एंड फ्लोरीन में चेक करें तो इसमें डिफरेंस थोड़ा अच्छा है, 0.5 का डिफरेंस है। फ्लोरीन का आपको क्या है, ये 1 का डिफरेंस है, फ्लोरीन का है 4 और क्लोरीन का कितना है 3 है, तो उस कंडीशन में इसमें 1 का डिफरेंस है तो इसमें आयनिक करेक्टर थोड़े ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद पोटेशियम और ऑक्सीजन के लिए चेक करें तो इसमें भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम एंड फ्लोरीन। लिथियम में आप लोगों को और फ्लोरीन में यहाँ पे 4 है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का, और उसके बाद हम लोगों को फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 और लिथियम की आपको 0.9 के अप्रॉक्स में है। फिर यहाँ पे आप लोगों को 1 के अप्रॉक्स में है पोटेशियम का, और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का आपको 3.5 है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इसमें किस में ज़्यादा है, लिथियम फ्लोराइड में है, तो इसलिए ये आयनिक करेक्टर आपको ज़्यादा शो करेगा। तो इस कारण से अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो इसके आयनिक ऑर्डर का, आयनिक कंपाउंड की ऑर्डर का स्ट्रेंथ यही होगा, तो हम लोगों को ये ऑर्डर है। आपको याद रखना होगा आयनिक करेक्टर इंक्रीजेज एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन द एटम इंक्रीजेज विच इज़ द हाइएस्ट इन लिथियम फ्लोराइड। इस गिवन कंपाउंड में हम लोगों को लिथियम फ्लोराइड में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ ये आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा शो करेगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रो आयनिक करेक्टर के लिए हम लोगों को लिथियम फ्लोराइड इज अ आवर ऑप्शन या आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.20। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड एज सोन बिलो इज अ करेक्ट बट द सम ऑफ द बॉन्ड्स आर सोन इन करेक्टली विच द राइट द करेक्ट लुइस स्ट्रक्चर। तो देखिए कहाँ कहाँ पे आपको गलत हुआ है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बनाया गया है, एक गलत वहाँ पे है। फिर उसके बाद कार्बन के चारों ओर आपके टोटल कितने बॉन्ड हो गए, टोटल इसके 5 बॉन्ड हो गए, ये भी गलत है। फिर उसके बाद कार्बन के पास अगर आप देखो कि 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर भी दिखा रहा है, तो ये सारे के सारे पोजीशन क्या है आपको, गलत है। तो इसी को हमें करेक्ट करना है और लुइस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है इसका, एसिटिक एसिड का। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन के ऑटोमोस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए, हर हाइड्रोजन को उसके चारों ओर से अरेंज किए, तो ये क्या हो गया, ये आपको 3 बॉन्ड बना लिया। एक साइड से आपका कार्बन इधर कंबाइन कर रहा है और कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, और इस साइड से कार्बन क्या कर रहा है, दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन बगल वाले एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी ऑक्टेट रूल को वैलिड नहीं कर रहा है, और ये इसका क्या हो रहा है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर कहलाएगा, और ये इसका स्ट्रक्चर सिंपल बॉन्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो हम लोगों को लुइस डॉट स्ट्रक्चर लिखना था, तो यही लुइस डॉट स्ट्रक्चर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन 4.21। ये क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ
सॉरी अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ मिथेन इज स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब है एक ही प्लेन में आपको एंगल रहेंगे. ये कार अगर आपको एक प्लेन में है तो उस तरह का आपको स्ट्रक्चर होगा. ये स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर और दूसरा ये टेट्राहेड्रल है. तो हम लोगों को क्या कारण है कि हमारा ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर एज्यूम नहीं किया जाता है, इसके इस स्ट्रक्चर में हमारा मिथेन नहीं होता है बल्कि टेट्राहेड्रल में होता है. तो सबसे पहला काउज आपको ये बताएं कि स्क्वायर प्लेनर अगर स्ट्रक्चर होगा तो इसमें क्या होगा, हर बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज होगा. 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा. इसमें बॉन्ड एंगल कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा. तो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के क्लोज होगा और इसके कारण इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट करेगा. और अगर किसी मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम के बीच मोर रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, मोर रिपल्सन होने के कारण मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबल स्ट्रक्चर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं. तो किसी भी मॉलिक्यूल का उसी स्ट्रक्चर को हम लोग प्रेफर करते हैं जिसमें कि आपको रिपल्सन कम हो और जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो, हाई हो. तो स्टेबिलिटी हाई कब होगी, जब उसमें रिपल्सन आपको कम नज़र आएगा. और वो पॉसिबल कब है, जब हम लोगों को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हमारा कार्बन अरेंज हो और उसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, 109.5 का हो जाए. इसमें अप्रॉक्स में आपको 19.5 के बीच का बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ है तो इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन थोड़ा कम लगेगा. एक निगेटिव चार्ज अगर दूसरे निगेटिव चार्ज से थोड़ा दूर पे होगा तो उसमें रिपल्सन क्या होगा, कम लगेगा. तो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा. इसलिए हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, इसलिए हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं, स्क्वायर प्लेनर को प्रेफर नहीं करते हैं. और हमारा मिथेन भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.22. ये क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई BeH2 molecule has zero dipole moment although the beryllium and hydrogen bond are polar. देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है. बेरेलियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है आपको 1.75 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.2. तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, बेरेलियम का इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा. हाइड्रोजन पे आपको निगेटिव चार्ज आएगा तो इसके कारण बॉन्ड क्या हो गया आपको, पोलर बॉन्ड हो गया. पोलर बॉन्ड कहने का मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच रहा है. तो इसके कारण तो हम लोगों को ये पोलर होना चाहिए मॉलिक्यूल, लेकिन इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसमें दो ही सिग्मा बॉन्ड है. बेरिलियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटरमोस्ट सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन है. तो दो इलेक्ट्रॉन को ये कैसे अरेंज करेगा, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अरेंज करेगा और इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो कि 180 के बॉन्ड एंगल पे होगा उस पे ये अरेंज होगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, रिपल्सन कम होगा. तो इसके कारण क्या हो रहा है कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है बेरिलियम और हाइड्रोजन और डिस्टेंस भी सेम होगा, चार्ज भी सेम होगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है इसलिए इसके एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा, जिसके कारण रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा. तो इस तरह से इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं. नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन 4.23. ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि विच आउट ऑफ अमोनिया एंड NF3 has higher dipole moment and why. देखिए dipole moment में हम लोगों को आपको अभी जस्ट अभी बताया है कि dipole moment क्या है, एक vector quantity है जो कि आपको negative electron से positive side, मतलब कि हम लोगों को more negative की तरफ ये directed होता है with respect to less negative से start करके more negative की तरफ ये directed होगा. और इसका हम लोग जो सम निकालते हैं ये वेक्टर सम को फॉलो करता है, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है. तो अगर हम लोग अमोनिया के केस में देखें तो अमोनिया के केस में हर डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे डाइपोल मोमेंट को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है. इसका किसको सपोर्ट कर रहा है, लोन पेयर वाले डाइपोल मोमेंट को सपोर्ट कर रहा है. लेकिन NF3 में अगर हम लोग चेक करें तो ये जो फ्लोरीन है और ये जो फ्लोरीन है इसका अगर रिजोल्यूशन निकालेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अक्रॉस, तो एक तो एक्स एक्सिस इधर हो गया, दूसरा एक्स एक्सिस इसको कैंसिल कर देगा
और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसी को सपोर्ट करता हुआ इस डायरेक्शन में होगा, जो कि आपको क्या होगा लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, जो कि लोन पेयर के कारण हम लोगों को डाइपोल हो रहा है उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगी, इसके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसका वैल्यू होता है म्यू की वैल्यू, इसके लिए NF3 के लिए म्यू की वैल्यू डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये 0.24 dB हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग अमोनिया के लिए चेक करें तो अमोनिया में सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, और इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको 1.46 dB हो जाता है, जो कि हायर डाइपोल मोमेंट शो करता है विद रिस्पेक्ट टू NF3। तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारा डाइपोल मोमेंट किस में हाई है, अमोनिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.24, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.24, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द शेप ऑफ SP, SP2 एंड SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, या कहिए कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बच्चे आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है, मतलब कि लगभग में इक्वल एनर्जी या अप्रॉक्स में इक्वल एनर्जी, या तो एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी हो सकता है, जैसे कि PX हो गया, PY हो गया, PZ हो गया, सभी के लगभग में इक्वल एनर्जी है, या अप्रॉक्स में इक्वल एनर्जी 2x, 2s और 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें आप लोगों को एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, लगभग में इक्वल है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका एक 2px हो गया, ये इक्वल होगा किसके, 2py के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर एक 2px को हम लोग कंपेयर करें 2s से, तो इसमें लगभग इसमें अप्रॉक्स में इक्वल होगा, थोड़ा सा 2s का एनर्जी कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू 2p। तो इस तरह से अगर हम लोग चेक करें तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं किसी भी एटम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो उसमें क्या होता है कि हर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है उस इक्वल एनर्जी ऑटोमोस सेल का, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स होकर इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देता है, जो कि आपको सेम नंबर में होंगे। मान लो कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है 3, सिंगल s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 का p या 3 का p या 4 का p, किसी का p हो सकता है, n का s होगा, n का p होगा। तो इस तरह से टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, तो हमें क्या मिलेगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, तो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो इस तरह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है वो चाहता है, वो ट्राई करता है कि एक दूसरे से वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे हो और उसके बीच मिनिमम रिपल्सन हो, जिसके कारण मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या एटम का स्ट्रक्चर क्या हो, स्टेबल हो। तो उसी चीज़ को गेन करने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे कि आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, कार्बन, अगर हम लोग कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल को कंसीडर करते तो एक एस का एटॉमिक ऑर्बिटल होता और 3p के एटॉमिक ऑर्बिटल होते और इसके बॉन्ड एंगल कितने होते, 90 डिग्री के होते, जो कि एक्चुअली नहीं पाया जाता है। तो इसके कारण से इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, कि एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल का, एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और सिंगल पी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और दोनों मिलके क्या करेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, जो कि दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस या मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, जो कि 180 डिग्री का होगा, उस पे अरेंज होगा और इसके बीच ये मिनिमम रिपल्सन कॉज करेगा और स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके जो मॉलिक्यूल होंगे Ab2 टाइप के होंगे और इसके सिंपल एग्जांपल में बेरिलियम डाइहाइड्राइड हो सकता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। सेम इसी तरह से अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात करें तो एक s एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि s में आपको एक ही ऑर्बिटल होता है, s सबसेल में
एक ही और वाइटल होता है तो वो एक ही और इन्वॉल्व हो सकता है। पी में आपको थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो पी का थ्री मैक्सिमम थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकता है। तो टू पी का एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा हो अगर, और एक एस का एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा हो, तो टोटल थ्री एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस होंगे ये 120 के बॉन्ड एंगल पे अरेंज होगा और इसका शेप कैसा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा और इस तरह का ये हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखाएगा। नेक्स्ट है आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा और 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा जो एक दूसरे पे 109.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे अरेंज होंगे और ये स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट टाइम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा। इससे पहले के जितने भी हाइब्रिडाइजेशन थे जो कि sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन था उसमें आपको जो स्ट्रक्चर था या जो मॉलिक्यूल था वो प्लेनर था। फर्स्ट टाइम आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसके आगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि नॉन प्लेनर होगा। तो इस तरह के इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्रा हाइड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा हाइड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको 4.25 ये क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ एल्युमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए एल्युमिनियम क्या था, AlCl3 था। एल्युमिनियम के ऑटोमोल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। कहने का मतलब ऑटोमोल सेल में थ्री इलेक्ट्रॉन में अगर इसको देखें तो इसके p एटॉमिक ऑर्बिटल खाली होते हैं। पी एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, थ्री के एस में मान लो कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहाँ चला गया, पी के एटॉमिक ऑर्बिटल में आ भी गया, तो एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल इसका क्या होता है, खाली होता है। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, शुरू में तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, ओनली थ्री सिग्मा बॉन्ड, तो थ्री सिग्मा बॉन्ड के लिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। लेकिन जैसे ही इसके पास एक एक्स्ट्रा डोनर आ जाएगा तो इस समय इसको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत है, फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, sp3, और इस कंडीशन में ये क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। थ्री सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन और फोर सिग्मा बॉन्ड के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन हमारे चेंज हो रहे हैं, यस चेंज हो रहा है, और ये चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है। किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। तो यही चीज़ आपको पूछ रहा था और सेम आंसर आपको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.26, इसमें ये क्या कह रहा है आप लोगों को कि इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए आपको बोरोन ट्राईफ्लोराइड, फिर उसके साथ इधर क्या है, अमोनिया है, दोनों रिएक्ट करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे पहले अलग अलग में इसके हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। बोरोन के ऑटोमोल सेल में ओनली थ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस थ्री इलेक्ट्रॉन से ये थ्री फ्लोरिन कम्बाइंड किया, थ्री सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2। नेक्स्ट है अमोनिया, इसमें थ्री सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। और अगर ये कंबाइन करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है बोरोन ट्राईफ्लोराइड को, तो अब इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो अब इसके बीच क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का भी आपको फोर सिग्मा बॉन्ड शो करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण, और अमोनिया का भी फोर सिग्मा बॉन्ड शो करेगा। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन अमोनिया का तो चेंज नहीं हुआ, sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 से sp3 हो गया। इधर पहले भी sp3 था, सिर्फ डिफरेंस क्या आया, पहले लोन पेयर नाइट्रोजन के पास था, अब इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कि आपको सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है। तो यही चीज़ आपको पूछ रहा था कि क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन का, तो बोरोन का, तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द फॉर्मूला
draw diagram showing the formula of a double bond and triple bond between the carbon atom in CH2, C2H4 and C2H2. तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो इस मॉलिक्यूल का आप लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है. तो हमारे पास कार्बन, दो कार्बन है, तो दोनों कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे टोटल 4 बॉन्ड चाहिए और 4 ही हाइड्रोजन है. तो हर कार्बन को 4, एक ही कार्बन का कंप्लीट हो सकता है, एक कार्बन तो ऐसे ही बचा हो रह जाएगा. तो कार्बन कार्बन के बीच हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ये कार्बन कार्बन के बीच क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. बाकी जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच है, ये कैसा बॉन्ड है आपको, ये सिग्मा बॉन्ड है. तो इस तरह से इसके अगर हम लोगों को चेक करें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा. तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको डबल बॉन्ड शो कीजिए और ट्रिपल बॉन्ड शो कीजिए. तो डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही होगा आपको NC2H4 में, एक ही डबल बॉन्ड है. और ये डबल बॉन्ड कैसा है आपको, ये वाला डबल बॉन्ड है. और इस डबल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से शो किए हुए हैं. सिग्मा बॉन्ड है आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच क्या है आपको, डबल बॉन्ड. और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, और दूसरे कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा. नेक्स्ट है इसके बाद C2H2, इसमें दो ही हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो गया. और जो बचा हुआ कार्बन है इसके बीच क्या होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और दो क्या हो जाएगा इसका, दो इसका पाई बॉन्ड हो जाएगा. तो इस तरह से इसके ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग शो करते हैं. और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन. ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.28. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. आप लोगों को C2H2 में C2H2 एंड C2H4 दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो आप लोगों को सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दिखाना है. तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पहले वाले स्ट्रक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर से बना सकते हैं. तो अगर इसमें देखें तो दो पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना है, टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके पास 3 है. तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड इन केस ऑफ C2H2. नेक्स्ट है आपको C2H4, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है आपके पास और 5 क्या है इसके पास, सिग्मा बॉन्ड है. तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड. तो ये आप लोगों को पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए कह रहा था. तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और आपको स्ट्रक्चर के साथ इसका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट किया जा सकता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.29. ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसिडर द एक्स एक्सिस एज द इंटरमोलिकुलर एक्सिस विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड एंड वाई. इसमें दिया हुआ है ऑप्शन आपको सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको क्या जरूरी है, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग. दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक ही एक्सिस पे, एक ही लाइन पे है तभी इसके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो इसमें क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड होगा. तो देखिए मॉलिकुलर एक्सिस आपको ये है एक्स एक्सिस के अक्रॉस. मॉलिकुलर एक्सिस होने का मतलब है कि दोनों के मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम इधर से ही पास करेंगे, मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल इधर ही होगा. तो अगर ये 1s है तो स्फेरिकल होगा, बगल वाला भी 1s है तो ये भी स्फेरिकल होगा. जब ये कंबाइन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया. दूसरे में भी अगर आप चेक करें, ये था क्या 1s था और बगल में भी 1s था. अब दूसरी बार क्या है, 1s है तो स्फेरिकल हो गया, 2x है तो x एक्सिस के अक्रॉस ही होगा, ये x एक्सिस के अक्रॉस फैला हुआ है. अब इसमें स्फेरिकल ऑर्बिटल इसको कंबाइन करके ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा. तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, सिग्मा बॉन्ड बन गया. तीसरा ऑप्शन क्या था आपको, तीसरा ऑप्शन था आपको 2PY एंड 2PY. तो देखिए ये भी आपको Y एक्सिस के अक्रॉस है, ये भी आपको Y एक्सिस के अक्रॉस है. आपका एटॉमिक एक्सिस कैसा है, X एक्सिस के. तो इस दोनों के बीच हम लोगों को हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, इसमें क्या होगा, जस्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, जिसके कारण इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है. तो इसीलिए इसमें हम लोगों को क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा. और यही मॉलिक्यूल को हमें खोजने के लिए कह रहा था कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता है. तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा. और डी को चेक करें
तो 1s है और इधर 2s है, एक s छोटा होगा, 1s का साइज छोटा होगा, 2s का साइज आपको बड़ा होगा। दोनों के दोनों स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, तो इसमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें हम लोगों को यही पूछ रहा था, तो इसके आंसर क्या हो गए, सी हो गए, जिसमें कि 2px और 2py अगर मॉलिकुलर एक्सिस एक्स एक्सिस के अक्रॉस है तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4.30, ये क्या कह रहा है कि विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड बाय द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखिए आप लोगों को मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मीथेन इथेन दिया हुआ है, तो CH3 CH3, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन में तीन हाइड्रोजन, फिर से इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन, तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पूछ रहा है कि विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड बाय द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये कार्बन आपको दोनों कार्बन इसमें क्या शो कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, दोनों के पास आपको 4 सिग्मा बॉन्ड है, हर कार्बन के पास अपना 4 सिग्मा बॉन्ड है, बगल वाला कार्बन भी क्या कर रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट दूसरे मॉलिक्यूल में अगर हम लोग चेक करें, दूसरे मॉलिक्यूल में अगर हम लोग इसको कहें, इसको वन कह, इसको अगर हम लोग वन कह दें, इसको टू कह दें, इसको थ्री कह दें, तो इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात करें तो कार्बन नंबर वन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो गया, टोटल 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट। सेकेंड नंबर कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, लेकिन थर्ड नंबर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपको, sp3, क्योंकि इसके सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp3। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कार्बन है आप, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपको CH3 CH2 और OH, तो इसमें अगर हम लोग चेक करें, फर्स्ट अगर हम लोग इसको फर्स्ट कार्बन कहते हैं, इसको सेकंड कार्बन कहते हैं, तो इसमें हमारा फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और बगल वाले आपको सेकंड कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या होगा, sp3 होगा। नेक्स्ट है आप लोगों को मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये आप लोगों को CH3 और C डबल बॉन्ड O इथेनल दिया हुआ है, तो इथेनल का अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन, CH ग्रुप के साथ, CHO ग्रुप के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो एक हो गया आपको पाई बॉन्ड, दूसरा क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन नंबर वन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर हम लोग कार्बन नंबर टू के साथ चेक करें, इसको अगर हम लोग कार्बन नंबर टू कहें, तो कार्बन नंबर टू के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सभी मॉलिक्यूल का हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन काउंट किया। एक मॉलिक्यूल और बचा हुआ है, ये है आपको एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में मीथेन वाला ग्रुप ये हो गया, और एसिटेट आयन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर इधर से कार्बन कनेक्टेड है। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, इसको अगर हम लोग कार्बन नंबर वन कहें और इसको हम लोग कार्बन नंबर टू कहें, तो कार्बन नंबर वन के पास फिर से कितने सिग्मा बॉन्ड, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन नंबर वन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन नंबर टू के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, इसके पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन नंबर टू का क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और कार्बन नंबर वन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4.31, ये क्या कह रहा है, कह रहा है आप लोगों को व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलस्ट्रेट बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ इस टाइप। देखिए आप लोगों को जो बॉन्ड पेयर होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एटम इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें कि दो एटम का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो एक पेयर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहेंगे। हम लोग एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, अमोनिया का। तो नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो एटम के किसी एटम के ऑटोमोस सेल के इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन या ऑटोमोस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और सिंगल एटम के पास ही प्रेजेंट रह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो इस तरह से अगर इसके डेफिनेशन देखें तो हम लोगों को क्या हो रहा है, देखिए देयर इज 5 इलेक्ट्रॉन ऑन वैलेंस सेल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन विच 3 इन्वॉल्व इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन विथ हाइड्रोजन एटम टुगेदर विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर।
यह हम लोगों को क्या कहलाता है, बॉन्ड पेयर कहलाता है. एंड टू इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन बट रिमेन प्रेजेंट ओनली विद द नाइट्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ पेयर इन वैलेंस सेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज कॉल्ड लोन पेयर. तो जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिंगल वैलेंस सेल में ऐसे ही प्रेजेंट रहता है सिर्फ ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर. तो इस तरह से हमारे बॉन्ड पेयर क्या हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दूसरे एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग करेगा या पार्टिसिपेट करेगा. जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हम लोग लोन पेयर कहेंगे या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल होगा तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहलाएगा, लेकिन वही आपको पेयर के फॉर्म में होगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको 4.32. इसमें क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विज द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से जो फॉर्म करता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जो साइडवाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा उसको हम लोग पाई बॉन्ड कहेंगे. तो सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको कंडीशन क्या है, सिग्मा बॉन्ड है आप लोगों को टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है. ये क्या है आपको, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके फॉर्म होता है इन टू इंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से. इसमें जो एटॉमिक एक्सिस होते हैं एक ही एक्सिस में होते हैं, एटॉमिक एक्सिस और मॉलिकुलर एक्सिस आपको क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है. तो इसको हम लोग जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है इसके एक्सिस के अक्रॉस होता है, इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं. और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, लार्ज होगा, और ये बॉन्ड आपको क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. सिग्मा बॉन्ड आपको अकेला भी प्रेजेंट होता है, कोई भी दो एटम के बीच जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो पहला बॉन्ड आपको सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा. अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है तब उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बना लेकिन एक किसी दो एटम के बीच मोर देन वन बॉन्ड है तो एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा, बाकी जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे. तो इस तरह से इसके बीच का डिफरेंस हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, मॉलिकुलर एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा. लेकिन पाई बॉन्ड में आपको क्या होता है, पाई बॉन्ड के कंडीशन में अगर आपको सिग्मा बॉन्ड आपको SS ओवरलैपिंग से बन सकता है, SP ओवरलैपिंग से बन सकता है, PP ओवरलैपिंग से बन सकता है. पाई बॉन्ड आपको कब बनेगा, पाई बॉन्ड आपको SS ओवरलैपिंग से कभी भी नहीं बन सकता है, PP ओवरलैपिंग से बन सकता है. तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को पाई बॉन्ड इन्वॉल्व करना है तो पाई बॉन्ड में आपको पी एटॉमिक ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा, और इसमें क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, कहने का मतलब बगल से इसको जोड़ पाएंगे, इसके हेड टू इसके हेड को इसके हेड से डायरेक्टली एक ही एक्सिस पे हम लोग नहीं मिला सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट साइड वाइज टच कर सकते हैं. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं. ये एटॉमिक एक्सिस अगर इधर है तो ये आपका जो मॉलिकुलर एक्सिस है अगर इधर है तो एटॉमिक एक्सिस इसके क्या होंगे, ऐसे होंगे. तो ये एटॉमिक एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. एटॉमिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होने के कारण ऊपर का लोब जो साइड ओवरलैप करता है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाता है, और जो नीचे का एक्सिस ओवरलैप करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाता है. इसमें जो मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल आपको फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते हैं. तो ये सारे इसके डिफरेंस हैं. पाई बॉन्ड का आपका अगर सिंगल पाई बॉन्ड के लिए बात करें तो सिंगल पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिंगल सिग्मा बॉन्ड से कम होता है, लेकिन एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है और एक जगह एक सिग्मा और एक पाई है, मतलब कि डबल बॉन्ड है कहीं पे, तो ऑब्वियस है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ तो होगा ही होगा, पाई बॉन्ड इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा. तो अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो ऐसा नहीं कहना है कि इसका स्ट्रेंथ कम होंगे क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये भूल है. आपको क्या याद रखना है कि अगर सिंगल अकेला पाई बॉन्ड को हम लोग कंपेयर करें डबल बॉन्ड का एक ही बॉन्ड को कंपेयर करें सिंगल बॉन्ड के एक बॉन्ड से, तब उस कंडीशन में हम लोगों को सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर विथ रिस्पेक्ट टू पाई. लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए, एक सिग्मा एंड एक पाई मिल जाए, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल सिग्मा बॉन्ड. तो इसी तरह के हम लोगों को ये ऑर्डर थे. नेक्स्ट है आप लोगों को
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एच टू मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि हम लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोगों को ऐसे होता है कि जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक एटम दूसरे एटम के क्लोज में आता है तो उसके न्यूक्लियस एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस होगा पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है और इसमें रिपल्सिव फोर्स भी वर्क करता है, जैसे कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। लेकिन नेट रिजल्ट क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स का रिजल्ट ज़्यादा होता है। तो इसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर अपनी लोएस्ट एनर्जी लेवल में आ जाता है। जैसे ही एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है और यही स्टेबिलिटी का कारण है। जिस मॉलिक्यूल में एनर्जी लेवल जितना कम होगा वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है कि अट्रैक्शन इज इन्वर्सली, अगर हम लोगों को स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और जितना ज़्यादा इनर्जी लोअर होगा उतना ही हम लोगों को स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो यही हम लोगों को अप्रोच है। बाकी चीज़ इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि रिपल्सन होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, और अट्रैक्शन होता है कहाँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होता है। तो इसके कारण एक मॉलिक्यूल एक एटम दूसरे एटम के क्लोज आते हैं और वो स्टेबल स्ट्रक्चर गेन करते हैं। और ये प्रोसेस कैसा होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि हर कंडीशन में जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स कॉज द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एमंग द गिवन एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। एटम हमारा सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों को, नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4.34, ये क्या कह रहा है आपको, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो दो तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, जिसमें कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल का फेज क्या होगा, सेम होगा। एक का अगर पॉजिटिव एक्सेस है तो दूसरे के पॉजिटिव एक्सेस से, मतलब कि पॉजिटिव फेज को दूसरे के पॉजिटिव फेज से हम लोग क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहलाता है। एक के निगेटिव फेज को दूसरे के निगेटिव फेज से हम लोग ओवरलैप करवाएंगे तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी आपको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहलाता है। लेकिन अगर एक का प्लस और दूसरे का माइनस को ओवरलैप करवाएंगे तो इसमें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है और इसमें एनर्जी लेवल क्या होता है, मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है। एक का प्लस और दूसरे का अगर माइनस है तो ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में नहीं होता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर एंटी, उसमें जो हम लोगों को नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के कारण जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के कारण जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई फाई वन माइनस फाई टू। ये फाई जो हम लोगों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब एक को अलग फेज में है, एक और दूसरा अलग अलग फेज में है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा तो हमारे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ा देगा और हमारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4.34, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन बी टू मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले बी टू मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक बी ई मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 4, एटॉमिक नंबर इसका 4 है, तो दो में कितने हो जाएंगे, दो में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम चेक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चेक करें तो इसके एनर्जी लेवल का ऑर्डर होता है सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2।
इसी में अरेंज हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, दोनों जगह अगर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक करें तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दोनों जगह 4-4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब बॉन्ड ऑर्डर आपको पॉजिटिव वैल्यू का होता है। तो उस कंडीशन के कारण हम लोगों को क्या शो होता है कि हमारा BE2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो B2 है आपको एक मॉलिक्यूल, फिर B2 आपको O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, जिसको हम लोग सुपर ऑक्साइड भी कहते हैं, और एक पेरोक्साइड है O2-2। हर किसी में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, बगल में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है। O2 में आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो इसके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाल रहे हैं नीचे, तो 10-6 डिवाइडेड बाई 2। और इसमें क्या हो जा रहा है, इसके पास आपको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पूछ रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। सेम अगर O2 प्लस के लिए देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम। तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, ये रेड वाला आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन के साथ। एंटी बॉन्डिंग में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 10-5 डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 हो गया। लेकिन इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भी अभी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड ही है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। पहले वाला आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मोर पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा था। नेक्स्ट में अब चेक करते हैं O2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन से, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में ये अनपेयर्ड था, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो ये पेयर्ड होना स्टार्ट हुआ। तो अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, लेकिन इसके जो बॉन्ड ऑर्डर होंगे उसके लिए सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हो गए, 10 तो अभी भी है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 7 हो गए। तो 7 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बचती है, 3 बचती है, 3 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू हो जाता है 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 1.5, और ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी है। लेकिन O2-2 इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर हो गए, 10 बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में और 8 एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के जैसा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसके मैग्नेटिक बिहेवियर, और इसमें हम लोगों को स्टेबिलिटी पूछा जा रहा था, तो स्टेबिलिटी के लिए अगर हम लोग स्टेबिलिटी के लिए बात करें तो हम लोगों को कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी में हम लोगों को क्या होगा, जिसके बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे हायर होगा, क्योंकि उसके बीच मोर नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी आपको O2-2 के का, फिर उसके बाद O2- इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5 है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसका हो जाएगा, और ब्लू कलर वाले सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं, और ये आपको दूसरे कलर वाले, ये जो आपको कलर है, ये कलर वाले आपको डायमैग्नेटिक वाला है, ठीक है। तो दोनों कलर हम लोगों को, ये वायलेट कलर है, तो हम लोगों को वायलेट कलर वाले डायमैग्नेटिक हैं, और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सबसे लेस स्टेबल है। नेक्स्ट है आप लोगों को, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन सोन इन द रिस्पेक्ट इन द सोन इन द रिप्रेजेंटिंग ऑफ ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो प्लस माइनस साइन होता है ये उसके फेज को रिप्रेजेंट करता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपको सेम फेज में है तो उसके सेम साइन होंगे। मान लीजिए कि एक जगह पॉजिटिव है दूसरे जगह भी पॉजिटिव है तो दोनों मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल आपके क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। लेकिन एक जगह आपको माइनस है दूसरे जगह आपको प्लस है तो ये अपोजिट फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर सेम फेज है तो उसके साइन भी सेम होंगे, या तो आप उसे नेगेटिव साइन दे सकते हैं या आप उसे पॉजिटिव साइन दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ये सिर्फ फेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4.38। ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5 में अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करना हो तो PCl5 का हम लोगों को फास्फोरस के ऑटोमोसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो टोटल के टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो टोटल सिग्मा 5 सिग्मा बॉन्ड के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। और sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है। एक ट्राइगोन है ये एक प्लेन में और इसके ऊपर को कनेक्ट करता हुआ ये एक पिरामिड है, तो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है, लॉन्गर बॉन्ड होता है एक्सियल बॉन्ड कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल किसे कहते हैं, ये जो ट्रायंगल में है इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितने का होता है, ये बॉन्ड एंगल होता है आपको 120 का बॉन्ड एंगल होता है। इक्वेटोरियल पोजिशन पर यह बॉन्ड एंगल होता है ये कितने का होता है, ये 120 का होता है। रिपल्सन इसमें कम होता है, लेकिन ये जो आपको एक्सियल है ये एक्सियल के साथ कितने एंगल का बॉन्ड बनाता है, ये एक्सियल के साथ आपको 90 डिग्री का बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसमें रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन आपको इसमें ज़्यादा होगा। तो 3 बॉन्ड के साथ इसमें रिपल्सन होने के कारण ये क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। तो जो हमारे एक्सियल बॉन्ड होंगे उसका साइज़ क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, लार्ज होगा विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यही कारण है हम लोगों को इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होता है, और आपका एक्सियल बॉन्ड क्या होता है आपको लंबा होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हम लोगों को इक्वेटोरियल बॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4.39। ये क्या कर रहा है, डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड में जब हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से तो क्या होता है, इसके कारण आपको फ्लोरीन पे नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन पे आपको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। हाइड्रोजन एटम पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और ये जो डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की तरह काम करता है। और इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो देखिए आप लोगों को ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा दो तरह का होगा, एक होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम मॉलिक्यूल में दो जगह पे कहीं पे आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उसी के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। दूसरा होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें दो हाइड्रोजन एटम किसका है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, और ये क्या है आपको हाइड्रोजन एटम कहाँ से आया हुआ है, फर्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल से। मान लीजिए कि इसको हम लोग अगर फर्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल कहें तो ये फर्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आया है, और नाइट्रोजन कहाँ से आया है, सेकेंड अमोनिया मॉलिक्यूल से आया है। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें क्या हो रहा है, सेम ही मॉलिक्यूल है, इसमें एक जगह का ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है आपको वैंडरवाल फोर्स के बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि ये वैंडरवाल फोर्स से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है विथ अगर हम लोग वैंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, वैंडरवाल फोर्स के बॉन्ड से
ज़्यादा होगा, क्योंकि वैंडरवाल फोर्स आपको कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, वो सिंपल आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल में या डायपोल डायपोल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है। तो नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4.40, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी दो एटम, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच जितना भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसको उस मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ये रिप्रेजेंट हो गया, और इसमें हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो नाइट्रोजन का सिर्फ आपको मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाला हुआ था, बाकी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन माइनस टू का बॉन्ड ऑर्डर निकाले हुए हैं। तो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड एनर्जी डायग्राम आपको थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें आपको 2px और 2py पहले आता है विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा 2pz के, बाकी सभी जगह सेम ही है, इससे पहले वाला कंडीशन सेम ही है। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, इसको अरेंज कर लिए। फिर से हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन के लिए चेक करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसके, अगर हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4, फिर उसके बाद ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये क्या हो गया 10। तो 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है। तो जब इसको हम लोग चेक करते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 10 - 4/2, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाती है। बाकी बचा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, 10 इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 6 इसके एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिवाइडेड बाय 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन, 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 5 इसके एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, एंटीबॉन्डिंग में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसी तरह से O2 माइनस में चेक करेंगे तो 17 बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो 10 - 7/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ रहा था आपको कि सभी का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन भी कर दिए और सभी का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट भी कर दिए। तो इस तरह से हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर भी कम्प्लीट होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चे।